नमस्कार, जय हिंद सभी लोगों को। आज हम लोग पत्रों की श्रृंखला चल रही है और इसमें आप शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र और परिपत्र, तीन पत्र आप पढ़ चुके हैं। आज ये हम लोग चौथा पत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर। हिंदी में हम इसको कहते हैं अनुस्मारक। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अनुस्मारक क्या होता है और ये क्यों लिखा जाता है, किस कंडीशन में लिखा जाता है, इसका प्रयोग हम कब और कहां कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हम बेसिक भाषा में पहले आपको समझाते हैं, ठीक है, कि अनुस्मारक क्या होता है, ठीक है, और कैसे जो है ये परीक्षा में आता है और किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होगा, इसका प्रारूप कैसा होगा, एग्जाम्पल कैसा होगा और इसकी क्या परिभाषा है, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए, और खास बात यह है कि अनुस्मारक इतना इंपॉर्टेंट पत्र है कि आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो ये लगभग हर साल पूछा ही गया है। एक आध साल भले ही गैप हुआ हो लेकिन ये हर बार पूछा ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पत्र है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले तो मैं आपको समझा दूं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपने जैसे शासकीय पत्र पढ़ा है ना, ठीक है, तो शासकीय पत्र पढ़ा है या अर्धशासकीय पत्र पढ़ा है, बेसिकली जो अनुस्मारक होता है वो शासकीय पत्र के संदर्भ में ही भेजा जाता है। ठीक है, यानी हम जो सरकारी पत्र लिखते हैं या किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में भेजा जाता है और उसका प्रारूप लगभग वैसा ही होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को या एक विभाग ने दूसरे विभाग को कोई पत्र लिखा था, ठीक, लेकिन क्या है ना कि वहां से उस पत्र का कोई जवाब नहीं आ रहा है, मतलब हफ्ता बीत गया, 15 दिन, महीने, 2 महीने बीत गए, कोई जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मामला इंपॉर्टेंट है, जवाब चाहिए चाहिए, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, अनुस्मारक एक रिमाइंडर डाल देते हैं कि हो सकता कि वो पत्र कहीं उनका गुम हो गया, मिस हो गया या ध्यान ना दे पाया हो, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि देखिए वो जो मामला है, जो पत्र भेजा गया था वो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि उस पत्र का जवाब आप दे दें। ठीक है, तो जब किसी पत्र का जवाब हमें प्राप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम अनुस्मारक को भेजते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को भेजते हैं। तो वही हम लोग आज समझेंगे कि रिमाइंडर जो है क्या होता है। ठीक है, एक जानकारी दे दूं आपको, एप्लीकेशन बनकर के तैयार हो गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप बन गया है डीपी एडू केयर के नाम से, एडू केयर, ठीक है, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो ये सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन अपने संस्थान का मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पर सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं ऑनलाइन, प्री का, मेंस का, प्री कम मेंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, बीओ के, पीसीएस के, आरओ के, सबके बैच वहीं पर है, वहीं से आप लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल भी है जहां पर बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है, करंट अफेयर्स भेजा जाता है और भी बहुत सारी न्यूज भेजी जाती है, तो इसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल भी है, उसको भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ की। अब देखिए अनुस्मारक क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी पत्र का जवाब नहीं आता है, काफी दिन बीत जाते हैं, तो हम उस अधिकारी को या उस विभाग को रिमाइंड कराते हैं कि भाई उसका जवाब भेज दीजिए। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। अनुस्मारक का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी पत्र का जवाब आने में क्या होता है, विलंब होता है, देरी हो गई है, नहीं आ पाया। ऐसी स्थिति में संबंधित मंत्रालय का या विभाग का या कार्यालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर उनको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक, या इसी को हम कहते हैं अनुस्मरण पत्र। ठीक है, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुस्मारक भी कह सकते हैं, अनुस्मरण पत्र भी कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। इंग्लिश में दोनों का मीनिंग रिमाइंडर ही है। ठीक है, अनुस्मारक का आधार वही होता है जिस रूप में पत्र भेजे गए थे, यानी कि अर्थात शासकीय पत्र के रूप में अनुस्मारक, शासकीय पत्र यथा आदि। कहने का मतलब यह है कि जो पत्र आपने भेजा है, पहले भेजा है और उसका आप रिमाइंडर डालना चाहते हैं तो वो उसी रूप में जाएगा जिस रूप में आपने पहले पत्र भेजा था। अगर शासकीय पत्र के रूप में भेजा था
तो फिर ये रिमाइंडर शासकीय पत्र के फॉर्मेट में ही जाएगा। अगर आपने अर्धशासकीय पत्र भेजा था तो फिर वो अर्धशासकीय पत्र के फॉर्मेट में ही रिमाइंडर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। देखिए, इसकी विशेषता पहली है कि अनुस्मारक का आलेख सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म रूप का मतलब यह है कि जब पत्र मैंने पहले भेजा था तो हमने उस पत्र में सारी बातें लिखी होंगी, सब कुछ लिखा होगा, जो भी मैटर रहा होगा या जो भी प्रसंगत प्रकरण रहा होगा तो हमने उसके बारे में सारा डिटेल लिखा होगा और उस पर हमने जवाब मांगा होगा या कार्रवाई करने के लिए कहा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम रिमाइंडर डालेंगे, अनुस्मारक भेजेंगे, तो उस कंडीशन में आपको जो पिछली कहानी जो लिखी थी वो सब नहीं लिखना है, बस सीधा सीधा बस जो पत्र भेजा था उसका संदर्भ देना है कि कृपया उपर्युक्त विषयक, अभी आपको फॉर्मेट में बताएंगे कि कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या इतने इतने दिनांक इतने इतने का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ये जानकारी मांगने की अपेक्षा की गई थी या जानकारी चाही गई थी परंतु अद्यतन जानकारी अभी तक अप्राप्त है, तो इस संबंध में उचित होगा कि जो जानकारी मांगी गई है उसको यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट है, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके या संपादित की जा सके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब पूरी राम कहानी पिछली वाली आपको नहीं लिखनी है, यह लंबित मामलों के आधार पर लिखा जाता है, यानी कोई मामला लंबित हो गया है उसका जवाब नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, अनुस्मारक लिख देंगे। पांच विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचों आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनुस्मारक का आधार पूर्व में लिखे गए पत्रों के आधार ही होते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं, अगर शासकीय पत्र लिखा है अर्धशासकीय लिखा तो उसी रूप में आपको फिर से ये भेजना होगा। ठीक है, अनुस्मारक स्मरण या याद दिलाने हेतु लिखा जाता है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अनुस्मारक का विशेष महत्व है, जो भी सरकारी कार्यालय है, विभाग मंत्रालय वगैरह है, तो वहां पर यह विशेष रूप से लिखा जाता है। हम लोग भी अक्सर भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं आते हैं शासन में और उनका जवाब टाइम से नहीं आता है, है ना, विभाग अध्यक्ष को निदेशालय में भेजा जाता है डायरेक्टरेट में, वहां से जवाब नहीं आता, या फील्ड में किसी अधिकारी से, जिला अधिकारी है या मुख्य विकास अधिकारी है या कोई एसडीएम है, या उनको पत्र भेजा जाता है तो समय से जवाब उपलब्ध नहीं होता है और मामला काफी इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, कार्रवाई करनी है, तो उस दशा में क्या होता है कि अनुस्मारक भेजा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के शासन में विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चलता है, ठीक है, सेशन होता है, तो उस दौरान जो माननीय सदस्य होते हैं विधानसभा के और विधान परिषद के, तो वो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपने पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक तारांकित होते हैं और एक अतारांकित होते हैं। ठीक है, वो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, और जो तारांकित होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्व के काफी महत्व उनका होता है, और जो तारांकित होते हैं वो थोड़े से कम महत्व के होते हैं। तो जब प्रश्नों के जवाब हम लोग जब फील्ड से अधिकारी से मांगते हैं या निदेशालय से मांगते हैं तो वो कहे ना कि टाइम से नहीं भेजते हैं, तो हमें बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है कि भाई वो सत्र चलने वाला है और माननीय सदस्य को जवाब देना है, विधानसभा या विधान परिषद में प्रश्न लगना है। ठीक है, तो उसका जवाब है, उसकी जो आख्या है वो यथाशीघ्र भेज दें। ठीक है, तो मतलब कभी कभी तो आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो रिमाइंडर इसके लिए देना होता है। ठीक है, चलिए, आप लोग जब शासन में आ जाएंगे तो आपको भी यही सब काम करना पड़ेगा, इसलिए इन चीजों को समझ लीजिए। ठीक, चले, तो ये जो है इसका ये महत्व है जो आपने देखा। अब इसका हम देख लेते हैं प्रारूप। ठीक है, प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसा प्रारूप आप परीक्षा में बना के आएंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको अधिकतम अंक यहां पर प्राप्त होंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये है अनुस्मारक का प्रारूप। ठीक है, तो मान लो आपने सरकारी पत्र के रूप में एक भेजा था, सरकारी पत्र भेजा था, और उसी के संदर्भ में आपको क्या करना है, अनुस्मारक भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा, अभी तक आपने क्या लिखी थी, संख्या लिखी थी, पत्र संख्या लिखी थी यहां पर। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, अनुस्मारक। सबसे पहले लिखा जाएगा अनुस्मारक, बोल्ड में लिखा जाएगा, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप आएंगे संख्या पर। ठीक, फिर वही सारी चीजें वही हैं, प्रेषक,
परिस्थिति, सेवा में, स्थान, दिनांक, वही विषय। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी क्या होता है, इसे अनुस्मारक एक बार भेज दिया तो अनुस्मारक का भी जवाब नहीं आता है और मामला इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्या करते हैं, दूसरा अनुस्मारक भेजते हैं। तो उस कंडीशन में हम फिर यहां पर क्या लिखेंगे, अनुस्मारक टू, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अगर दूसरा यहां तो क्या लिख देंगे, थ्री। ठीक है, इस तरह से जो है दो तीन चार संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कि ये जो यहां पर अगर सिर्फ अनुस्मारक लिखा है मतलब कि ये पहला रिमाइंडर जा रहा है, और यहां पर लिख दिया जाए अनुस्मारक टू तो ये दूसरा रिमाइंडर जा रहा है। ठीक है, और लिख दिया जाए थ्री तो तीसरा रिमाइंडर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको, ये आपने विषय डाल दिया, विषय आपका वही सेम रहेगा जो आपने पहले पत्र भेजा था, वही आपका विषय रहेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, महोदय। ठीक, कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या, उपर्युक्त विषय मतलब जो ये विषय पढ़ा है, उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या, कौन सा पत्र संख्या, जो इससे पहले आपने पत्र भेजा होगा उसकी संख्या यहां पर पड़ेगी, पत्र संख्या इतना इतना, दिनांक इतने इतने का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जब पहले आपने पत्र लिखा होगा तो आपने लिखा होगा कि अवलोकन करने का कष्ट करें, ध्यान दीजिएगा, सरकारी पत्र देखिएगा वहां पर आपने लिखा होगा, यहां पर का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, ये आपने, लेकिन यहां पर क्या है, आप संदर्भ यानी कि आप इस वाले पत्र का रेफरेंस दे रहे हैं कि आपको जो वो हमने जो पत्र भेजा था उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ये उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी, यानी कि जो भी जिसके द्वारा ये जानकारी हमको उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी, परंतु अद्यतन सूचना शासन में अप्राप्त है। ये जो भाषा लिखी है एग्जैक्ट भाषा वही है जो हम लोग पत्रों में लिखते हैं, इसलिए आपको अगर ऐसी भाषा लिख करके आप वहां पर आएंगे तो वो समझ जाएगा कि इस लड़के ने किसी अच्छे टीचर से शिक्षा ली है और किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है। चूंकि ये जो भाषा है ना, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ध्यान रहे, मार्केट में जितनी भी किताबें हैं मैंने सब देखी हैं, ये भाषा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। मैं किसी प्रकाशन का या किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन पढ़ाते बहुत लोग हैं। ठीक, और मैं अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो चीज बता रहा हूं कि जो वास्तव में है, ठीक है, जो वास्तव में है उसी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। यहां पर किसी की अच्छाई और बुराई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चूंकि वो चीज किताबों में नहीं है इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक, शासन में अप्राप्त है, अतः इस संबंध में मुझे पुनः, अब यहां क्या करेंगे, पहले आपने लिखा होगा कि इस संबंध मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, यहां आप एक शब्द जोड़ेंगे पुनः कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया ये उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि आवश्यक कार्यवाही की जा सके, यानी कि जो भी है प्रकरण में या जो भी चीजें हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रारूप है तो आप डॉट डॉट करके छोड़ देंगे यहां पर, ठीक है, जिससे कि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। ठीक है, और क्या करेंगे, फिर बस वही आप आ जाएंगे, भवदीय, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। ठीक है, मैं यहां पर आपको बता चुका हूं कि जब आप यहां पर भवदीय लिखते हैं ना, ठीक है, भवदीय आप लिखेंगे यहां पर, तो दो एंटर का स्पेस आपको छोड़ना है, यानी कि हस्ताक्षर करने के लिए आपको दो एंटर की जगह छोड़नी होती है। इसके बाद आप अधिकारी का नाम लिखेंगे और नाम रहेगा ब्रैकेट में, और देखिए ब्रैकेट ही ना, ब्रैकेट के बाद एक स्पेस यहां पर छूटा रहता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, ये अगर आप सब करके आएंगे तो एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस होगा आपसे, है ना, यानी कि जैसे आपने ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है, फिर ब्रैकेट के बाद एक स्पेस देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, फिर आप नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर ऐसे स्पेस एक, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, समझे ना, ये जो डैश लगा है, डैश का मतलब ये स्पेस यहां पर है, यानी कि ये एक्स और ये ब्रैकेट सटा हुआ नहीं रहेगा, ये जेड और ब्रैकेट ये सटा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा। ठीक, और इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा और नीचे आप लिख देंगे पद नाम, पद नाम के बाद फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है।
ठीक है। बाकी फिर ये उदाहरण वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी आपको जो पूरी पीडीएफ है ना, वो जो मेंस का बैच चल रहा है उसमें आपको सारे पत्र की जो भी उदाहरण सहित सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। वहां पर आपके सारे जो 9 प्रकार के पत्र हैं, सारणी रूप है, और करीब हमने समझिए कि 50 के आसपास निबंध तैयार करवाए हैं, 45 से 50 निबंध, इतने जो मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनसे हमने निबंध तैयार कराए हैं। तो अगर उतने आपने निबंध तैयार कर लिए कायदे से, तो समझिए कि बहुत अच्छे खासे आपके नंबर आ जाएंगे, और उसी में से फंस जाना है। जो हमने 45-50 निबंध तैयार कराए हैं कंप्लीट पूरे लिखे हुए, उसमें से आपका फंस जाना है, उतना आपको तैयार करना है, ठीक है। बाकी शब्दावली है, कंप्यूटर है, मुहावरा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी आपको सब सारे नोट्स आपको वहां पर मिल रहे हैं, वीडियो क्लास भी आपको कुछ मिल रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और वहां से आपको तैयारी करनी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और प्री कम मेंस की तैयारी आपको अभी से लेकर के चलनी है। 22 दिसंबर को आपका आरओ का प्री है, और 27 अक्टूबर को आपका पीसीएस का प्री है, ठीक है। तो पत्र तो दोनों में काम आएगा, पीसीएस में भी, आरओ में भी, और बीओ में भी यही पत्र पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के लिए आपके तैयार हो जाएंगे, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। निबंध भी तीनों में आते हैं, पीसीएस में भी, आरओ में भी, और बीओ में भी, तो निबंध भी सब में काम आएंगे। और ध्यान रहे कि प्री कम मेंस की तैयारी इसलिए आपको साथ में करनी है, क्योंकि आरओ के प्री के बाद आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला, मुश्किल से 2 से 2.5 महीने का आपको आयु समय देगा और आपका मेंस ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए मेंस की तैयारी अभी से आप करते चलें, तो आप फायदे में रहेंगे, और अगर फायदे में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पत्र के साथ। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें और वहां से अपनी पढ़ाई करें। नमस्कार, जय हिंद।